हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी को शोनी ब्लॉग्स नेपाल में। फैमिली, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने ही रहें। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फैमिली, अभी बज रहा है सुबह के 8 और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आरती भी कर ली हूँ, भगवान जी की पूजा भी कर चुकी हूँ। तो आज है संडे और मैं जाऊंगी आज नारायणी। तो यहाँ पे नारायणी नदी है, तो वहाँ पे मैं जाऊंगी आज पूजा करने, क्योंकि आज संडे मेरा फास्टिंग है। तो वहाँ पे जाके हम उगते सूरज का आज अर्घ देने वाले हैं, सूर्य भगवान का। तो मैं उसके लिए सामान भी रेडी कर ली हूँ, तो आज मैं दिखाती हूँ मैं पूजा के सामान क्या क्या रेडी की हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं अर्घ उठाने के लिए ली हूँ मूली, सेब, संतरा, केरा, और इधर मेरा दीपक है, इधर आदि है, और ये मीठा है, बेली मीठा जो भी आप बोल सकते हैं, तो ये भी है। और इधर में पीला चंदन, लाल चंदन, रोरी, अक्षत, ये धागा, सिंदूर और ये मिश्री, मैं सभी रेडी कर ली हूँ। तो अब मैं लेके जाऊँगी नारायणी, सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, उसके बाद मेरा पूरा दिन फास्ट रहेगा। चलिए फैमिली, अब चलते हम लोग नारायणी। तो इसमें मैं फास्टिंग में पीने के लिए दूध उबाल के रख लेती हूँ। इसमें मैं दूध डाल ली हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें दूध है, तो मैं इसी में आज दूध उबालूँगी, क्योंकि गैस चूल्हा में मैं खाना बनाई हूँ, तो फिर वापस धोना पड़ेगा सब, तो इसीलिए मैं इसी में काम चला ले रही हूँ दूध उबाल कर। A few moments later. Hey फैमिली, तो मैं नारायणी से आ चुकी हूँ पूजा करके, सूरज भगवान के मैं और दे चुकी हूँ। और आके मैं सबसे पहले कपड़ा चेंज कर ली हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी भीज गया था नारायणी में जाके, तो पानी में खड़क होके और देना था, इसलिए साड़ी भीज चुका था। तो मैं सिर्फ साड़ी चेंज कर ली हूँ, ब्लाउज और पेटीकोट नहीं की हूँ, सिर्फ साड़ी की हूँ आके। और खाना मैं नहीं बनाई थी, तो मैं खाना बना ली हूँ, तो खाना में मैं बनाई हूँ, खाने में मैं चावल बनाई हूँ, और ये आलू परवल का सब्जी है। तो मैं सिर्फ चावल सब्जी बनाई हूँ और थोड़ा सा रोटी बनाऊँगी पतिदेव जी के लिए। तो चलती हूँ, पतिदेव जी को खाना खाने के लिए बुला के लेके आती हूँ खाना खाने के लिए। इधर मेरा बेटा खाना खा रहा है, तो बेटा खाकर जाएगा तो पतिदेव जी आएंगे। ये देखिए फैमिली, मेरी दीदी भेजी है, तो देखते हैं क्या है इसमें। वाओ, इसमें कड़ी है, कड़ी पकौड़ा, तो क्या टेस्टी कड़ी पकौड़ा है। तो आज मेरा फास्टिंग है, तो मेरी बेटी खाएगी। एक्चुअली मैं ये बेटी के लिए भेजी है मेरी दीदी, उसको मौसी के हाथ का कड़ी पकौड़ा बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए वो बोली थी मौसी आपके हाथ के कड़ी पकौड़ा खाना है, तो वही बना के भेज दिए, यम्मी यम्मी कड़ी पकौड़ा। द नेक्स्ट डे, तो अभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, पतिदेव जी को आँख चेक कराना था, तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल आई हूँ पतिदेव जी को लेकर। तो यहाँ पे पतिदेव जी का आँख चेक हो चुका है, और पतिदेव जी के राइट साइड में मोतिया बिंदु का शिकायत है, तो ऑपरेशन कराना था, तो वही मैं पतिदेव जी के लाई थी ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन आज ऑपरेशन नहीं लग रहा है, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पतिदेव जी का BP बहुत हाई है, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो आँख में दवाई डाल के हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब BP लो हो और ऑपरेशन हो।
तो बार बार डॉक्टर चेक कर रहे बीपी, तो यहाँ पे एक बार फिर से बीपी चेक कर रहे डॉक्टर साहब, फिर भी बीपी बहुत हाई था। तो हे फैमिली, जैसे आप लोगों को पता था कि मैं और मेरे पतिदेव जी को लेकर हॉस्पिटल गई थी आँख के ऑपरेशन कराने, तो उनका राइट साइड के आँख में मोतिया बिंदु हो गया था, तो वही उसी के लिए मैं ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल गई थी। लेकिन कारणों से आज हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि जब हम लोग सभी प्रोसेस पूरा कर लिए थे और जब बीपी चेक उनका हुआ तो बीपी बहुत ही हाई लेवल में था, तो इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो हम लोग करीब लगभग 2 घंटा तक वेट किए कि हो सके इनका बीपी डर के मारे हाई हो गया हो, तो हम लोग वेट किए। एक दवा भी डॉक्टर साहब ला के दिए कि खा लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद देखते हैं बीपी लो हो जाता है तो आज ही कर देंगे ऑपरेशन। लेकिन हम लोग 2-3 घंटा वेट करने के बाद भी उनका बीपी लो नहीं हुआ, तो ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो फिर हम वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल चले गए उनका बीपी का इलाज करवाने। तो बीपी इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे एक नारायणी सामुदायिक हॉस्पिटल बोल के है, तो उसमें अच्छा डॉक्टर रहते हैं, तो वही डॉक्टर के हम आपके जो डॉक्टर थे उन्हीं के सलाह में हम वो हॉस्पिटल में जाकर उन डॉक्टर से चेक करा है। तो उसमें भी हम लोग का पूरा दिन लग चुका और मैं अभी अभी घर पे आई हूँ, तो वहाँ पे डॉक्टर सभी चेक, हार्ट बीट चेक किए हैं, क्योंकि उनका बीपी कुछ अलग ही लेवल पे था, शायद नीचे 120/180 था बीपी उनका, इसलिए डॉक्टर सभी परेशान हो गए थे कि अचानक से इतनी बीपी क्यों हाई हो जाएगा। तो पूरा बॉडी उनका चेक हुआ तो उनका रिपोर्ट आ चुका है, हम लोग सब खून टेस्ट करवाए, सब कुछ टेस्ट करवाने के बाद उनका रिपोर्ट भी आ चुका है। तो डॉक्टर दवाई खाने के लिए सलाह दिए हैं और कुछ खाना में कंट्रोल करने के लिए बोले हैं, जैसे कि ज़्यादा तीखी सामान नहीं खा सकते, ज़्यादा जो ऑयली नहीं खा सकते, फ्राई किया हुआ नहीं खा सकते हैं, तो वो सब एडवाइस दिए डॉक्टर साहब ने। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ अभी, और वो जो बीपी एकदम हाई था उसके वजह से उनका हार्ट में थोड़ा सा जो क्या बोलते थे यहाँ पे हार्ट बीट जो होता है उनका ज़्यादा ही फास्ट चल रहा था, इसीलिए डॉक्टर बोले कि रिलैक्स होइए, टेंशन फ्री होइए। तो उनको 3-4 दवा लिख दिए हैं, तो मैं दवा लेके घर पे आ गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ बीपी के दवा खिलाऊँ कि नहीं खिलाऊँ, कि मतलब घर में कुछ खाना पीना कंट्रोल करके लेवल कम हो जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो बीपी की दवाई खाने लग जाएंगे तो फिर रोज़ देना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या सोच रही हूँ, कोई हम मुझे सलाह दे रहा है कि अभी दवा उनको मत खिलाइए और घर के खाना से, घर का जो एलोवेरा जूस और ये जो क्या बोलते करेला का जूस वो सब दीजिए उनको खाने में, करेला दीजिए और फ्रूट सब दीजिए, उससे एलोवेरा जूस दीजिए, उससे कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको लिखकर बताइएगा। तो मैं बहुत घबरा गई हूँ, खासकर डॉक्टर लोग भी परेशान हो चुके थे कि ये बीपी बहुत हाई लेवल है, इतना बीपी हाई होने से कुछ भी हो सकता है, तो पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन में भी असर कर सकता है। तो भी डॉक्टर बोले कि यार नहीं, आप किसी तरह दवाई इनको खिलाइए। तो हम डॉक्टर से पूछे थे कि डॉक्टर हम बीपी को दवाई खिलाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब बोले थे नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खिला सकती है। तभी भी मैं 1-2 दिन घर में अपना जो पुराना दादी माँ का नुस्खा होता है, मम्मी लोग का नुस्खा होता है, वो मैं करूँगी, अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, मैं तो ज़्यादा रिस्क में नहीं लूँगी। अगर आप लोग को भी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर एडवाइस दीजिएगा। तो फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ, अब देखिए अब बीपी जब कंट्रोल होगा तब उनका ऑपरेशन आँख के हो सकता है, इससे पहले तो नहीं हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।